इस इंडस्ट्री के एक्चुअल हालात पे कहा। सर थैंक यू सो मच। यूएफओ मूवीज के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर कपिल अग्रवाल सर जुड़ते हुए। कपिल सर हाय, गुड आफ्टरनून। नमस्कार आशीष जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। अरे ये आज की बड़ी हेडलाइन है आपकी इंडस्ट्री में, पीवीआर आईनॉक्स कमिंग टुगेदर, जायंट इन द मेकिंग। आप इंडस्ट्री वालों को भनक थी क्या ऐसा कुछ डील होने वाली है? बिल्कुल भी नहीं थी सर, इन्होंने बहुत सीक्रेट रखा एंड बैंक की इन्होंने बिल्कुल ये बात लीक नहीं होने दी कहीं भी। चर्चे चलते रहे कि सिनेपोलिस को ले रहे हैं पीवीआर या आईनॉक्स, चर्चे चलते रहे सिनेपोलिस के और यहाँ पे डील हो गई बड़े वालों की दोनों की। हाँ, सिनेपोलिस की तो बहुत चर्चा हो रही थी पीवीआर के साथ, और हो ये बहुत सरप्राइज स्प्रिंग अप मेरे लिए भी कि पीवीआर आईनॉक्स का मर्जर, मेगा मर्जर कह लीजिए। अच्छा, इसका मतलब इस मूव का कपिल सर, ये इंडस्ट्री वैसे ही कंसोलिडेशन देख रही थी। इस मर्जर से पहले, अनाउंसमेंट से पहले, पीवीआर ने 3 एक्विजिशंस, इवन आईनॉक्स ने 3 एक्विजिशंस हाल फिलहाल कंज्यूमेट करे। ये कंसोलिडेशन का फेज अब मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री में इमिनेंट है, आगे भी कंटिन्यू होगा क्या? देखिए मोटा मोटा मेरे ख्याल से जो कंसोलिडेशन होना था वो अब इस कंसोलिडेशन के साथ हो चुका है। एक तो देखिए दुनिया चल रही है कंसोलिडेशन की तरफ, जी और सोनी का मर्जर हो रहा है, डिज्नी फॉक्स का मर्जर हो गया, तो मर्जर इज द नेम ऑफ द गेम वर्ल्ड वाइड। एंड ये तो मैं कहूंगा मदर ऑफ ऑल मर्जर्स, मदर ऑफ ऑल कंसोलिडेशंस इन द इंडियन एग्जीबिशन सेक्टर। सो दिस इज अ वेरी गुड मूव आई थिंक ऑन पार्ट ऑफ एवरीबडी, बिकॉज द क्वेश्चन इज दैट ऑन द वन हैंड द रेवेन्यूज विल गो अप एंड ऑन दी अदर हैंड दी कॉस्ट विल कम डाउन। सो मोटा मोटा अगर हम देखें तो मेरा बैक ऑफ दी एनवेलप कैलकुलेशन है 600 करोड़ का इनका कंबाइंड सैलरी कॉस्ट थी, तो 600 करोड़ की सैलरी कॉस्ट अगर 20% से भी कम होती है कंबाइन होने के बाद तो सीधा सीधा 120 करोड़ बढ़ जाता है। अच्छा, अब एड रेवेन्यू जो है पीवीआर का तकरीबन 45 लाख रुपए पर स्क्रीन 2020 का, और आईनॉक्स का था 28 लाख रुपए पर स्क्रीन, तो 17 लाख के हिसाब से अगर 645 जो स्क्रीन आईनॉक्स के थे अगर उस पर करें तो 100-110 करोड़ का रेवेन्यू वहां बढ़ जाता है, विच इज स्ट्रेट टू दी बॉटम लाइन। तो 120 करोड़ का वो, 110 करोड़ का ये, और दोनों का मिला के करीब 20 रुपए का जो स्पेंड पर हेड F&B रेवेन्यू का फर्क था, तो अगर वो 20 रुपए का अगर टोटल फुटफॉल पे खाली आईनॉक्स के लगाएं अगर वो बढ़ता है तो मोटा मोटा 100 करोड़ रुपए वो बढ़ जाता है। 300 करोड़ रुपए तो खाली इस कंसोलिडेशन से 300-325 करोड़ तो स्ट्रेट अवे गो टू दी बॉटम लाइन ऑफ दी दिस कॉम्बिनेशन, विच इज बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन आई वाज डूइंग। इंटरेस्टिंग, तो बहुत बढ़िया सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स होंगे। लेकिन कपिल सर, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए इसका क्या मतलब? आपकी कंपनी जानी जाती है इस देश में लार्जेस्ट इन सिनेमा एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे, सामने वाले की बार्गेनिंग पावर बहुत बढ़ रही है, आपको डेंट करेगा क्या? एक्चुअली हमारे नेटवर्क और इनका नेटवर्क जो है वो दोनों बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है। पहले भी आईनॉक्स अपना बेचता था, पीवीआर अपना बेचता था, मिलके बेचेंगे, और हम अपना बेचते थे। अब इनके पास 1,550 स्क्रीन हो गए, हमारे करीब 3,500 स्क्रीन हैं, और वो बिल्कुल जो जॉनरो है, जो टारगेट ऑडियंसिस है वो काफी डिफरेंट है जो इनकी और हमारी है, और जो हमारे क्लाइंट सेट है वो भी बड़े डिफरेंट है। तो आई थिंक इनके मर्जर से हमारे को फायदा ही होगा, क्योंकि जब भी कोई इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन होता है, जब साइज ऑफ द इंडस्ट्री इंप्रूव होता है तो उसका इम्पैक्ट सारे प्लेयर्स को मिलता है। तो मेरे हिसाब से हमें भी इसका फायदा मिलेगा, और अब तो खैर फिल्में भी बड़ी अच्छी अच्छी आ रही हैं और बॉक्स ऑफिस भी ऐसा चल रहा है जो हमने कभी देखा ही नहीं अपनी लाइफ के अंदर पोस्ट पेंडेमिक। तो आई थिंक बेनिफिट सबको मिलेगा। तो इन सिनेमा एडवर्टाइजिंग जब आप करते थे तो आप वहां के स्पेस को ग्रैब करते थे, फिर आप उसको मार्केट करते थे। ये पीवीआर आईनॉक्स के बिहाफ पे भी वहां पे भी आप अपने स्लॉट्स लेते होंगे, वो स्लॉट्स के लिए जो बार्गेनिंग पावर होगी वो रिड्यूस नहीं होगी क्या आपकी? नहीं नहीं नहीं, तो हम पीवीआर आईनॉक्स का काम करते ही नहीं थे, तो पीवीआर अच्छा, अपना एंटरटेनमेंट बेचता था, आईनॉक्स अपना बेचता था, और हम बाकी जो नॉन नेशनल चेन्स हैं उनके हमारे पास 3,500 सिंगल स्क्रीन और नॉन नेशनल चेन जैसे मूवी टाइम है, मैक्सस है, इस तरीके की जितनी चेन्स थी उनका हम, सोना सिनेमा है, गोल्ड चेन है, तो इनके सबके और प्लस सिंगल स्क्रीन थे ऑल ओवर द कंट्री। देखिए इनका जो कंबाइंड नेटवर्क है आज करीब 108-109 सिटीज के अंदर है, और हमारा नेटवर्क करीब 1400-1500 सिटीज के अंदर है। सो जो टोटल फोकस एरिया है हमारा
और इनका वो बहुत डिफरेंट है. इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट स्टिल कॉम्प्लीमेंट्री. क्योंकि अगर एक एडवर्टाइजर को पूरे इंडिया में पहुंचना है तो उनको पीवीआर आईनॉक्स भी खरीदना पड़ेगा और यूएफओ भी खरीदना पड़ेगा. तो उनकी अगर मार्केट शेयर बढ़ेगा तो हमारा भी बढ़ेगा ऑटोमेटिकली. उसमें कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्पीटिंग नहीं है वो. और उनकी अगर बार्गेनिंग पावर बढ़ती है तो आप जैसी पीयर सेट इंडस्ट्री के लिए और अच्छी खबर है. हाँ, क्योंकि क्या होता है कि जब अब कंबाइंड सिनेरियो के अंदर पहले एडवर्टाइजर को बड़ा स्प्लिट होता था, उनको मल्टीपल प्लेयर से डील करना पड़ता था. अब पीवीआर आईनॉक्स का एक जगह पे आ गया, यूएफओ हमने 3,500 एक जगह कंबाइन कर लिए. तो अगर वो खाली पीवीआर से और यूएफओ से डील करें तो उनके पास 5,000 से ऊपर स्क्रीन की वो एडवर्टाइजमेंट एक साथ कर सकते हैं. तो एज आई सेड अवर नेटवर्क इज कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, इट्स नॉट कॉम्पीटिंग. अच्छा, अभी मैं गाबा सर से जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट उनसे बातचीत कर रहा था कपिल सर, वो कश्मीर फाइल्स, उसके बाद आरआरआर, ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है. अब तो 100% ऑक्यूपेंसी ज्यादातर हर जगह हो चुकी है देश भर में. जहां नहीं भी होंगी 31 मार्च से सब बदल जाएगा. टिकट रेट्स आसमान छू रहे हैं. आपका बिजनेस किस हद तक पिकअप हुआ है? हालात किस हद तक पटरी पे ऑलरेडी आ गए हैं? तो हालात देखिए, हमारे 3 रेवेन्यू स्ट्रीम होते थे. एक तो हमारा होता था जो हम वर्चुअल प्रिंट फी लेते हैं या कंटेंट डिलीवरी चार्ज प्रोड्यूसर से लेते हैं, वो हमारा परशो बेस के ऊपर होता है. वो हमने इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो हमारा जो परशो चार्ज आ रहा है वो प्री पेंडेमिक लेवल से भी ऊपर चला गया करेंटली, क्योंकि नंबर ऑफ शोज बढ़ते चले जा रहे हैं. आज देखिए, आप ये देखिए कि गंगूबाई काठियावाड़ी का 125 करोड़ का कलेक्शन हो गया, कश्मीर फाइल्स का 225 करोड़ रुपए से क्रॉस कर चुका, ट्रिपल आर का ऑलरेडी 3 दिनों के अंदर 300 करोड़ रुपए कलेक्शन क्रॉस कर चुका. मैं खाली नेट कलेक्शन इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल की मैं बात नहीं कर रहा, जो हमारे को अफेक्ट करता है. तो अब क्या हो रहा है कि एक के बाद एक मूवी आती है. हम फर्स्ट 2 वीक्स में चार्ज करते हैं, फर्स्ट वीक का और सेकेंड वीक का हम वीपीएफ लेते हैं, जो कंटेंट डिलीवरी चार्ज हम लेते हैं. वो क्योंकि अब एक के बाद एक नई फिल्में आ रही हैं और दे आर पुशिंग आउट दी ओल्ड फिल्म्स, तो अवर कलेक्शन इज गोइंग टू द रिकॉर्ड लेवल नाउ, प्री पेंडेमिक लेवल. अब जितने फुटफॉल आते हैं एडवर्टाइजमेंट उससे होता है. तो एडवर्टाइजमेंट अभी थोड़ा स्लो चल रहा था क्योंकि एडवर्टाइजर्स को यह भरोसा नहीं था कि भाई लोग आएंगे थिएटर में या नहीं आएंगे. अब जब वो देख रहे हैं तो अब सडनली एकदम से एडवर्टाइजर्स आर ऑल्सो एंथ्यूज, सो एडवर्टाइजमेंट बिजनेस इज ऑल्सो कमिंग बैक. और जब थिएटर पैसा कमाएगा तो रेंटल का भी कोई इशू नहीं है, जो हमने वेवर किया था रेंटल का ड्यूरिंग द पेंडेमिक पीरियड. तो आई थिंक वी आर ऑन वे टू वेरी वेरी क्विक एंड स्पीडी रिकवरी. कपिल सर, ये कश्मीर फाइल तो ठीक, आरआरआर देख ली, आप क्या फर्स्ट डे फर्स्ट शो निपटा देते हो क्या? इतना वक्त नहीं मिलता, पर हाँ वीकेंड पे जाता हूं मैं नॉर्मली. तो गंगूबाई देख ली, कश्मीर फाइल देख ली, ट्रिपल आर देखने का मौका नहीं मिला क्योंकि मैं वो इंडियन मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री डेलीगेशन के साथ दुबई गया हुआ था, तो इस वीकेंड पे देखने का मौका नहीं मिला. नाउ आई एम बैक, डेफिनेटली दिस वीक आई विल बी वॉचिंग दी ट्रिपल आर ऑल्सो. प्रमोटर्स का स्टेक ऑफ लेट रिड्यूस हुआ, पिछले साल वो 30-30% वाला जून में अब रिड्यूस होके 22-23% पे आ गया. ये प्योरली वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो हुआ था उसके चलते ये डाइल्यूशन हुआ है क्या? एब्सोल्युटली, उन्होंने एक भी शेयर अपना मार्केट में नहीं बेचा है या प्लेज किया है. ये सारा क्योंकि देखिए पेंडेमिक के अंदर हमने 2 साल तक हमने कोई आदमी फायर नहीं किया, किसी आदमी को निकाला नहीं, हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करके रखा फिल्म इंडस्ट्री के लिए. क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी थी कि अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ गया तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री बैठ जाएगी. डिजिटल सिनेमा कैसे पहुंचेगा, कैसे कंटेंट पहुंचेगा सिनेमाज के पास, ये हमारी जिम्मेदारी थी. तो हमने पूरा अपने तरफ से लगाया, करीब 300 करोड़ रुपए हमने खर्च किए इन डेट सर्विसिंग एंड मेंटेनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पीपल इन 2 इयर्स. बट अब हमने सोचा कोई 4th वेव आ गई, 5th वेव आ गई, तो इवन डिस्पाइट दी लो स्टॉक प्राइस अवर प्रमोटर डिसाइडेड कि हमें डायल्यूट कर लेना चाहिए. तो हमने 97 करोड़ रुपीज रेज किए बाई 24.9% डायल्यूशन इन द मंथ ऑफ जनवरी. सो उसकी वजह से उसके चलते जो इनका पहले स्टेक था दैट हैज कम डाउन टू अराउंड 3%. अच्छा, फिर वो क्वार्टरली लेवल पे लॉसेस, फाइनेंशियल ईयर लास्ट ईयर लॉसेस, बुरा वक्त था. आप लोग के बैक ऑफ द ऑनलॉप कैलकुलेशन क्या कहते हैं? अब जब बिजनेस पिकअप हो रहा है, फुटफॉल्स बढ़ रहे हैं, एडवर्टाइजर्स नोटिस कर रहे हैं उस बात को, कब तक वापस प्रॉफिटेबल होगी यूएफओ मूवीज? मेरे हिसाब से तो एकदम कोई वजह नहीं है. अगर कोई और पेंडेमिक की लंबी वेव ना आ जाए तो जो 22-23 का साल है वो बिल्कुल एकदम प्रॉफिटेबल होना चाहिए. कोई वजह नहीं है कि प्रॉफिटेबल ना हो. अरे वाह, तो फिर जल्दी प्रॉफिटेबल. तो आप लोगों ने जो अपना सैलरी कट लिया था
पैंडेमिक के समय जब हमारी चर्चा हो रही थी, जब आपकी दाढ़ी वाड़ी थी, तो कब तक रिस्टोर कर रहे हो आप? हाँ, तो वो हमने जनवरी में जब हमारा फंड रेज हो गया था, तो जनवरी में हमने सबकी सैलरी रिस्टोर ऑलरेडी कर ली है, क्योंकि हमने कहा कि फंड रेज करने का क्या फायदा है, जो हमने करीब 100 करोड़ रुपए रेज करे हैं, अगर हम लोगों का नहीं दे सकते पैसा, तो हमने जनवरी में ही सैलरी रिस्टोर कर दी थी सब लोगों की। बिल्कुल ठीक। चलिए कपिल सर, बढ़िया इंडस्ट्री का आउटलुक, शायद झला जल्दी पटरी पर लौटते हुए नजर आए यूएफओ मूवीज के भी, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट और वॉकिंग, वो कहते हैं ना, वो मैंने भी चैनल चेक कर लिया है, एक्चुअली सिनेमा घरों में फुल ऑक्यूपेंसी है, और कश्मीर फाइल्स से आरआरआर के बीच में रेट डबल हो गए सेम वीकेंड के शो, नाइट शोज के। जो कश्मीर फाइल्स मैंने एक्स अमाउंट पे देखी थी, 2x पे बैठ के मैंने आरआरआर देखी। इस तरह से ऑक्यूपेंसी और इस तरह से उनके रेट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इंडस्ट्री शायद धीरे धीरे पटरी पे आती हुई, सबको इसका फायदा मिलेगा। अच्छा कपिल सर से होगी डिटेल में चर्चा, लेकिन ब्रेक लेते लेते आपको एक और इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन सुनाता हूं। मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया, जो मदरसन सुमी का वायरिंग कारोबार डीमर्ज हुआ था, आज लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के बाद मेरे ख्याल से स्टॉक आप लोग की स्क्रीन्स पे आना चाहिए, 62-63 के लेवल्स में याद है, 5% का लोअर सर्किट लग गया है, क्योंकि खुला 66 के आसपास के लेवल्स पे था, प्री ओपन सेटल वहां पे हुआ था, और इस समय 62-63 के जोन्स पर। तो मोटी मोटी एक्सपेक्टेशन थी 65-70 के बीच में शायद इसकी ट्रू वैल्यूएशन मूल्यांकन था, और अब तो सर्किट खुल गया 135। ये स्टॉक दिखा रहे हैं, मदरसन सुमी दिखा रहे हैं, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया नया लिस्टिंग हुई डॉक्टर साहब आज, उसको दिखाइएगा, तो 62-63 के जोन्स पर है। इस पर इस कंपनी के चेयरमैन विवेक चांद सहगल साहब से हमारी बातचीत हुई थी, उस बातचीत का एक अंश सुनते सुनते ब्रेक लीजिए। देखिए, ये ओरिजिनल बिजनेस है मदरसन सुमी सिस्टम्स का। 1993 में जब हम लोगों ने लिस्ट किया, तो हम लोगों ने जो कार प्रोडक्शन थी वो बढ़ रही थी उस टाइम, तो उसके लिए हम लोगों ने कंटेंट को इंक्रीज किया कार के अंदर। पर अब वायरिंग हार्नेस बिजनेस जो है, पिछले 9 महीने के अंदर जो आपके पास न्यूज है, वो करीब करीब 4,000 करोड़ का टर्नओवर किया है इसने, और 40% ग्रोथ दे रही है आपको कोविड टाइम्स के अंदर में। तो एक बहुत ही सुलझी हुई बैलेंस्ड कंपनी है जो कि कार्व आउट हुई है इससे।